नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबवत सिलेंडर यानी राइट सिलेंडर में घुमावदार सतह क्षेत्र का कुल सतह क्षेत्र से अनुपात 5:9 है। सिलेंडर की ऊंचाई और सिलेंडर की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए हमें निकालना क्या है, सिलेंडर की हाइट बाय रेडियस का रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। और हमें दिया हुआ है सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो, ठीक है ना। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर × r+h, राइट। किसके इक्वल है ये, इसके इक्वल दिया गया 5:9 यानी 5/9 के। तो यहां से 2 पाई आर कैंसिल हो गया, यहां भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना आया h/r+h, किसके इक्वल है 5/9 के। यानी h की वैल्यू अगर 5 है तो यहां से r की वैल्यू कितनी आएगी, अगर h की वैल्यू नीचे 5 रख दू तो r की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है। अब वो h और r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू अगर 5 है तो r की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई है 4। तो हमें हमसे यही रेशियो पूछा था, तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर।